दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। काफ़ी सारे लोग ये जानने चाहते हैं क्योंकि वो लोग भी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं यूके भेजना चाहते हैं। वो लोग भी अपने सपने देख रहे हैं कि मेरा बच्चा भी कोई भी कंट्री से अगर यूके में जाता है तो वो कितना कमा सकता है, क्या जॉब कर सकता है वहाँ पर। तो यूके में आके अगर स्टूडेंट आता है, उसके साथ में अगर कोई डिपेंडेंट आता है, या आप वर्क परमिट पे आते हो या किसी भी जॉब के थ्रू यहाँ यूके में आ जाते हो, तो आने के बाद अगर आप यहाँ पे जॉब करते हो तो जॉब के थ्रू आप कितना कमाते हो, क्या आपका सेविंग बनता है, क्या यहाँ पे एक्सपेंस है, और बाकी जो अपना यहाँ का खर्चा जो निकाल के आप अपनी फैमिली को कितना भेज सकते हो, उसी टॉपिक पे बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना क्योंकि कहीं ना कहीं ये जानना भी आप सबको इतना ही ज़रूरी है जितना कि आप अपने बच्चों को यूके या किसी और कंट्री में भेजना चाहते हो। तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं यूके में आने के बाद स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे हो या स्टूडेंट के साथ जो उनके डिपेंडेंट आते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आने के बाद कितने पैसे कमाते हैं और कितना अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बचा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो गवर्नमेंट का जो अप्रूवल रेट है, आपका जो पर आवर्स का जो यहाँ पे रेट चलता है, वो एज वाइज डिडक्ट किया गया है कि यहाँ पे 16 से 18 साल का जो अगर कोई जॉब करता है तो उसकी पे जो पे रहता है वो भी अलग है। 18 से 25 साल तक का जो जिसकी उम्र 18 साल से 25 साल की है तो उनके लिए भी अलग वेजिस है, और 25 साल से ऊपर के लोग जो लोग भी है उनके लिए भी अलग वेजिस रहता है दोस्तों। जैसे कि इसमें जेंट्स का अलग रहता है, लेडीज़ का भी अलग रहता है। तो हम इस टॉपिक पे बात अगर इस टॉपिक पे बात करने जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। जनरली हम ये बात करेंगे कि अगर अपनी एशिया साइड की किसी भी कंट्री से अगर यूके में कोई बंदा आता है तो वो कौन सी जॉब कर सकता है, कौन सी जॉब उसे आसानी से मिल सकती है, और उस जॉब से वो कितना कमा लेते हैं। तो पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट जब इंडिया से या अपनी होम कंट्री पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से अगर यूके में आता है तो उसको प्रायोरिटी पहले क्या रहती है कि जैसे कि यहाँ पे यूके आने के बाद उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है। जैसे कि यूके में जो जिस तरीके से काम होता है, जिस तरीके से यहाँ पे लोग जॉब करते हैं, तो उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी है, अगर वो NI पे जॉब करते हैं या किसी एजेंसी के थ्रू NI पे जॉब करते हैं, तो आप सब लोग भी जानते हैं और उसका जो स्टूडेंट है वो की फैमिली में भी ये बात पता है कि स्टूडेंट अगर आता है तो वो लीगली 20 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकता है। तो हम पहले स्टूडेंट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट को यहाँ जो भी कोई काम NI पे करते हैं तो उनको वीकली सिर्फ और सिर्फ 20 आवर्स मिलते हैं वर्क करने के लिए, और यहाँ पे पर आवर्स का जो सैलरी रहता है वो 11 से 12 पाउंड का रहता है, और वो डिपेंड करता है उनके वर्क के ऊपर कि वो कौन सा काम करते हैं, किस जगह पे काम करते हैं। तो सपोज मान लो कि आप कोई स्टूडेंट आता है और वह केयर होम में जॉब करता है या वेयर हाउस में जॉब करता है या एयरपोर्ट पे जॉब करता है क्लीनिंग की या ऐसा ही कुछ, तो इसमें जो सैलरी रहता है वो 11 से 12 पाउंड की रहती है। कोई कोई बंदे जो रहते हैं जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जहाँ पे जॉब नहीं मिलती है और उनको अगर जॉब करनी है, तो काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे सुपर स्टोर जितने भी है उसमें काफ़ी सारी वैकेंसी निकलते रहते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो इन सुपर स्टोर में भी जॉब करते हैं। तो वहाँ का जो पे आउट रहता है, जो वेजेस रहता है, वो भी 11 से 12 पाउंड का रहता है दोस्तों। तो उसके बाद बात आती है अमेजोन। अमेजोन का जो वेयर हाउस रहता है, जिससे कि पार्सल सर्विस, जो पैकेजिंग का काम रहता है, यहाँ पे फूड फैक्ट्री जो रहती है, फ्रूट फैक्ट्री रहती है, तो उसमें भी पैकेजिंग का काम रहता है दोस्तों। तो वहाँ पे भी अगर जॉब करते हैं तो उसमें तकरीबन आप मान लो कि किसी भी फील्ड में अगर आप NI पे जॉब करते हो तो आपको 11 से 12 पाउंड के पर आवर्स के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है दोस्तों। तो उसके हिसाब से आप मान लो कि आपका बच्चे को अगर स्टूडेंट यहाँ पे काम करता है 20 घंटे, तो उनके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कि कितना वो वीकली कमा सकता है। उसके ज़रिए आप मंथली जो उनके आवर्स होते हैं वो वीक के, एक वीक में 20 आवर्स होते हैं, तो आप 4 वीक के मान लो 80 80 आवर्स उनके हो जाते हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि कितना आप स्टूडेंट यहाँ पे आके कमा सकता है दोस्तों। ये बात रही कमाने की। अब पर स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट सिंगल रहता है तो उनका यहाँ पे रहने करने का जो खर्चा रहता है वो क्या रहता है। तो कोई भी स्टूडेंट अभी के फिलहाल में जो सिनेरियो, अभी का जो रिसेशन चल रहा है उसके तहत अभी जो महंगाई इन्फ्लेशन जो यहाँ पे बढ़ चुकी है, तो पर स्टूडेंट को यहाँ पर रहने का ही खर्चा सिर्फ 450 पाउंड मंथली आ जाता है दोस्तों। इतना तो यहाँ पे मिनिमम वेज जो खर्चा है वो रहता ही है। इसके बाद उनका जो सैलरी आता है उसमें से उनका टैक्स डिडक्ट होता है।
टैक्स डिडक्ट होने के बाद उनके उनके जो सैलरी रहता है उसमें से आप मान लो कि 450 पाउंड जो है वो उनका रहने का खर्चा हो गया। अब वो जो वहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का जो पास रहता है बस पास या ट्रेन पास यूज़ करते हैं, तो उसके तकरीबन 100 पाउंड तक आप निकाल लो महीने के। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स जब जाते आते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी जाते हैं, तो कुछ ना कुछ चाय नाश्ता पानी भी वो लोग करते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, तो उसका आप महीने का 100 पाउंड निकाल दीजिए। तो ये जो मैंने गिनती बताई है वो जनरली यहाँ पे इतना खर्चा तो होता ही है दोस्तों, कितना भी आप सेविंग कर लो लेकिन इतना खर्चा होने ही वाला है दोस्तों। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट के साथ में जो डिपेंडेंट आता है, डिपेंडेंट यहाँ पे फुल टाइम वर्क कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन फुल टाइम वर्क का मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पे आके NI पे या लीगली तौर पे जो जॉब करते हैं वो 12 घंटे या 16 घंटे भी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ऐसे नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सिचुएशन जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो आवर्स फिक्स किए हैं उतने आवर्स से ज़्यादा आपके आवर्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने आवर्स फिक्स किए हैं वो 60 आवर्स है। वीकली जो डिपेंडेंट आता है वो 60 आवर्स काम कर सकता है दोस्तों। यहाँ पे किसी भी कंपनी में या NI पे जो जॉब करते हो तो उसमें आपके 60 आवर्स से ज़्यादा वो लोग आपको आवर्स देंगे भी नहीं। आपके जिस दिन भी आपका जॉब रहेगा तो उसको पूरे वीक का आपका शेड्यूल दिया जाता है जिसमें आपका 60 आवर्स हो जाता है, तो उनका जो भी जो पे आउट रहता है तो वो भी 11 से 12 पाउंड का रहता है। डिपेंडेंट जो रहता है उसका जो सैलरी रहता है 12 पाउंड का तकरीबन, मान लो मिनिमम 12 पाउंड, और उसके जो आवर्स रहते हैं वो 60 आवर्स रहते हैं, तो 60 आवर्स पर वीक के, तो आप मंथली मान लो उनके 240 आवर्स उनके पास हो जाते हैं। तो 240 आवर्स के उनके 12 पाउंड के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसमें से उनका टैक्स डिडक्ट होगा और रहने का जो खर्चा रहेगा वो डिडक्ट होगा। अब बात करते हैं कि इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, जो स्टूडेंट रहते हैं, सिंगल रहते हैं, तो वो लोग अपना खर्चा कैसे मैनेज करेंगे? तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो रहते हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, वो कैश इन हैंड में भी जॉब करते हैं। कैश इन हैंड में आप मान लो 6 पाउंड या 6.5 पाउंड से ऊपर इनको सैलरी नहीं मिलती है ज़्यादातर, क्योंकि अभी की जो फ़िलहाल की लंदन की जो सिचुएशन है, UK की जो सिचुएशन है, यहाँ पे कैश इन हैंड में जॉब अवेलेबल नहीं है, और स्टूडेंट को यहाँ पे आने के बाद अपना जो सैलरी मिलता है NI पे उसमें भी उनको अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरनी रहती है, अपने खुद के खर्चे निकालने रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोग को भी स्ट्रगल बहुत हो रही है दोस्तों। तो तकरीबन मान लो आप सारा कुछ खर्चा निकाल के मंथली आप अगर स्टूडेंट अकेला रहता है तो अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मंथली 200 से 300 पाउंड बचा सकता है, और अगर डिपेंडेंट के साथ आता है तो वो लोग अपना सारा कुछ खर्चा निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा 1000 पाउंड यहाँ पर बचा सकते हैं दोस्तों। तो ये कभी भी मत सोचिए कि UK में अगर कोई बंदा गया तो वो वहाँ पे जाके 2 लाख महीने के 2 लाख कमा रहा है, 4 लाख कमा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी बंदा अगर UK में आता है तो अपने खर्चे वर्चे निकाल के वो मंथली कितनी भी अगर सेविंग कर ले तो वो 50,000 से ज़्यादा बचत नहीं कर पाता है, मतलब 500 पाउंड या 600 पाउंड से ज़्यादा कुछ भी वो सेविंग नहीं कर पाता है दोस्तों। इंडिया में जो बच्चे अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे वो यहाँ पे जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, वो अगर एक बार आप खुद अपनी आँखों से देखोगे तब तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी यहाँ पे मान लो कि कितनी कंजूसाई करने के बाद वो अपने लिए पैसे बचा सकते हैं, अपने फैमिली के लिए पैसे बचाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी बंदे यहाँ पे आए हैं और उनकी फैमिली के लिए मैं एक संदेश मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आपके बच्चे UK में हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि वो वहाँ पे जलसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भरने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और साथ में अपना यहाँ पे जो फैमिली के बारे में वो लोग सोचते हैं वो लोग भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी नई एक इन्फॉर्मेशन के साथ।